आज मैं संतरा बनाने जा रहा हूँ। सब्जी को मैं इसी तरह छोटे छोटे काट लिया, ब्रिंजल, पम्पकिन, बीन और पटाटो और बनाना, इसको छोटा छोटा करके काट लिया। और एक ओनियन लिया, टमाटर एक, दो सूखा चिल्ली और लहसुन थोड़ा सा। पहले से मैं ऑयल गरम कर लिया, अभी इसमें थोड़ा सरसों डालना है। और दो सूखा चिल्ली, लहसुन, इसको हल्के से फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, अभी इसमें ओनियन डालना। अभी इसमें टमाटर डालें, इसको हम एक मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको सब्जी पे डालेंगे। सब्जी हो गया, अब इसको सब्जी को काट कर रखा था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा फ्राई करके हल्दी और नमक डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम इसको 5-10 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन दे के रख देंगे। इसको थोड़ा धनिया पर डालना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। ढक्कन लगा के हम इसको 15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद संतरा रेडी हो जाएगा। अभी 15 मिनट हो गया, संतरा भी रेडी हो गया, अभी इसको निकाल देंगे। अभी संतरा रेडी हो गया, अभी इसको रोटी में नहीं तो चपाती में खा सकते हैं।